पेट्रोल टैंकर संचालकों की हड़ताल खत्म। रायपुर से अगली बड़ी खबर, पेट्रोल टैंकर संचालकों की हड़ताल खत्म। नया रेट जारी करने की सहमति के साथ हड़ताल खत्म। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप पर माना बीपीसीएल प्रबंधन, जल्द ही जारी होगा ढुलाई का नया रेट। रायपुर से अगली खबर, पेट्रोल टैंकर संचालकों की हड़ताल खत्म हो गई है। और इस खबर पर भी नदीम जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नदीम, पेट्रोल टैंकरों की हड़ताल जो है खत्म हो गई है, बीपीसीएल प्रबंधन ने जो है जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद वे माने हैं, क्या है ये अपडेट, किस तरह से, क्या उन्होंने उनको मनाने के लिए क्या कहा गया जो कि बीपीसीएल मान गया? देखो, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जो है वो छत्तीसगढ़ में पेट्रोल टैंकर संचालकों की हड़ताल यहाँ पर खत्म हो गई है। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बीपीसीएल प्रबंधन ने जो है इस पर सहमति बनी है। नए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड प्रबंधक ने नया रेट जारी करने पर सहमत हो गया है। इसके लिए रायपुर जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद यहां पर सहमति बनी। इसके साथ ही टैंकर संचालकों ने पेट्रोल डीजल की ढुलाई जो है वो कर देंगे, जिससे 250 से ज्यादा गाड़ियों के पहिए थम गए थे। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कहीं ना कहीं समस्या खड़ी हो गई थी, तो इसके बाद जो है प्रशासन ने बीच में बैठ करके जो है सुलह करवाई और सहमति बनाई है। आपको बताना चाहूंगा कि अधिकारियों ने नया टेंडर निकालने पर भी 15 दिन का वक्त देने को कहा है, ताकि सभी लोग उस प्रक्रिया में शामिल हो सके। रेट बढ़ाकर नया टेंडर जारी करने के आश्वासन के बाद जो है टैंकरों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा यहां पर की है। संचालकों का कहना है कि टैंकर ने तेल लोड करना शुरू कर दिया है। हड़ताल खत्म होने के बाद प्रदेश के पेट्रोल पंप पर तेल का संकट यहां पर टल गया है। ये कंपनी के साथ काफी लंबे समय से जो है ढुलाई जो भाड़ा है उसको लेकर के विवाद था, और नहीं बात सहमति बनने पर टैंकरों ने जो है ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल पर कल से गए थे, जिससे 250 से अधिक जो है गाड़ियां थम गई थी। अब इसके बाद जो है प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ये हड़ताल जो खत्म हुई है, नया रेट और नया टेंडर जल्द जारी करने के आश्वासन के साथ ये हड़ताल खत्म हुई है। नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। नदीम, आपसे आज सारी जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी इन दोनों खबरों पर। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।